वेलकम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईडियम्स जो मैंने दिए हैं ना, वो लाहौर बोर्ड के भी हैं और गुजरावाला बोर्ड के भी हैं। इसी तो मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो को आराम से देखा करें शुरू से आखिर तक, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि लाहौर गुजरावाला बोर्ड में इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, 19-20 का फ़र्क है। इसमें मैंने वो मिक्स ही आपको दिया है, ठीक है? आपने वो याद करने ईजी हो गए। और जो तीन फिक्रे मैंने लास्ट में लिखवाए हैं, वो तब लिखने हैं जब आपको कोई सेंटेंस याद नहीं आ रहा हो, वर्डा जो आपने याद किया उसको आप लिख लें इसलिए, ठीक है? इंशाल्लाह उम्मीद तो ये जो दिए हैं कि उसमें से आपका आ जाएगा। चले, ये हमारे पास है शॉर्ट स्टोरीज के पहले क्वेश्चंस हैं, तो इसकी तरफ चलते से पहले अब ये आपके गुजरावाला बोर्ड के हैं, ठीक है? इसे मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है। अब मैंने जिसमें निशान लगाया तो आप साथ साथ करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आंसर लिखे हैं आप वही करने हैं, वो आपके पास जो ग्रामर आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। जी मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 है, What are the planets and how did they come into existence? Very important, ठीक है? अब यही सवाल जो है लाहौर बोर्ड में भी आता है। उसके बाद है कि why there is no life on the stars, ठीक है? उसके बाद है ये why is the universe of which earth is a part of titanium give any reason as you can is very important question। तो ये इस चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? बेशक निशान लगा लें और उसे अपनी बुक में कर लें, इसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर एक आपको सवाल बन रहा है, ये देखिए जी, हाउ डिड आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारे जो है वो ज़मीन कैसे वजूद में आए। तो ये भी बड़ा सिंपल सवाल है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। ये जी वही क्वेश्चन होते हैं जो हर हर बार आने होते हैं। ये जी दूसरा चैप्टर मेरे पास है यूज़ ऑफ सेंसिटिव मैथड, इसका ये मेरे पास क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बटरी सेंटर कंडीशन अवेलेबल आवर सीडिंग्स टुडे एंड कंपेयर दैम बट दे वर लाइक 100 इयर्स अगो, ठीक है? ये आपको सवाल करना है। उसके बाद इसमें से ये वाला सवाल आ जाता है, हाउ इज द सेंसिटिव मैथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, ये सवाल भी आ जाता होता है। हाउ इज द सेंसिटिव मैथड अनेबल अस टू गेट आवर द ऑड फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल आपने नहीं करना है। जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया ना, सिर्फ वही सवाल आपने याद करने हैं। ये बस इसमें से ये चीज़ आनी है और आगे आ जाएँ। और यहाँ पर सवाल पे आ जाए, मेरे पास ये है कि वाई वॉज द वराइटी ऑफ फूड्स लिमिटेड इन दी पास्ट, ठीक है? ये देखिए सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये सवाल आते हैं, हमने करवाए भी हैं और इसलिए हम स्टूडेंट्स को ये बताते भी हैं ताकि वो इजी से याद कर लें, ठीक है? बस इस दो चैप्टर में से आपको ये सवाल करना है। उसके बाद तीसरे पर आ जाए, तीसरे में ये मेरे पास है वाई वाई फेस इन कॉलेज, इस पर है हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लेड टू अ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब इन लेसन्स, तो ये सवाल याद करना है। नीचे वाले पे आ जाए, व्हाट प्लेस यू कोर टू स्पोर्ट्स पैड इन कॉलेजेस, अब ये जो है ना, ये आपके उधर लाजमी है कि आपने इसी बुक से याद करना है, आप क्वेश्चन ले रहे और आपकी कैरियर से याद कर लें, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास है हु आर लेजी ब्रफर्स एंड व्हाट हैपन्स टू डैम, ये जो लेजी ब्रफर्स होते हैं कौन से स्टूडेंट होते हैं और इनके साथ क्या करना चाहिए हमें, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपने तैयार करना है। चलिए बस ये जो सवाल हैं बड़ी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, डायटिक्स वाला सवाल है मेरे पास है, व्हाट वाज द जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, ये सवाल करना है। उसके बाद नीचे पे आ जाए कि व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था। और यहाँ पर आ जाए कि व्हाट टाइप्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड साइट्स ऑफ डिड डायटिक्स हैव ड्यूरिंग स्कूल, देखिए व्हाट डज डायटिक्स मीन बाय द ब्लेस्ड ब्रेक, और ये सवाल कई दफ़ा आया हुआ है इसलिए आपने लोगों ने इसको करना है। ये लीजिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखा भी देता हूँ, क्योंकि बास का तो वो क्या करते हैं अंदर से उठा के देते हैं। ये लिखा हुआ गेट आ, ठीक है? और यहाँ पर ही लिखा हुआ, अब देखिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, समटाइम्स ही गॉट अनएक्सपेक्टेड डिसाइड्स टू अटेंड अ फुटबॉल मैच और द स्कूल गॉट डिसमिस, ठीक है? एंड ओवर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम बिकॉज ऑफ सम क्राइसिस और सेलिब्रेशन, बस यहाँ तक काफ़ी है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यह जो आपकी और आसानी पैदा करती है, मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, उनके लिए परेशानियाँ ना पैदा की जाए। यह जो चैप्टर नंबर हमारे पास है कि बिग डिस्ट्रॉय वाला बुक सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, वर्ड शॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाई ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स, उसके बाद है वाई इज़ टू ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, ये करना है आपने, और हाउ डिड यू डिसाइड टू गेट इट ऑफ टाइम, ठीक है? और यहाँ पर एक आ जाए ये वाला, वाई वॉज द राइटर फ्राइटेड व्हेन ही पुलिसमैन लुक एट हिम, अब देखिए ये सवाल भी आ सकता है, या वाई डिड द राइटर फील जो अनइजी व्हेन ही सॉ अ पुलिसमैन, दोनों सेम है, उस पर यही आंसर आपने देख दें, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे आ जाइए, द मैन हू वाज़ अ हॉस्पिटल, ये जी मेरे पास से पहला सवाल है, हाउ डिड जिरमोक के जिरमोक कम टू एक्सप्रेस डैट ही लेबर वाज़ आउट ऑफ ऑर्डर, अब्बास का जिरमोक ओम की जगह ना वो राइटर लिखते हैं, तो यही मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, डिस्क्राइब हिज विजिट टू मेडिकल मैन और व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपने याद करना है।
और यहाँ पर एक सवाल आपके पास है, व्हाट डिड द राइटर कॉल हिमसेल्फ अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ठीक है, यही बहुत ईजी है, ये जी चैप्टर आपका यहाँ तक तैयार हो गया। आगे चलते हैं सातवां चैप्टर में, आपके पास है माई फाइनेंशियल कैरियर है। इसमें आप लोगों ने करना है ये वाला सवाल, राइट एट लीस्ट टू ब्लेंडर्स लीक ऑक्यूमेंट आफ्टर लीविंग द मैजिस्ट्रेट ऑफिसर, छोड़ते वक्त क्या क्या गलतियाँ की, और आफ्टर डिसएडवांटेज इन दी कैन राइट एट लीक ऑक गिव हिज मनी, ये करना है आपको बस। ये देखिए मैं आपको इतने ज़्यादा में से इतने थोड़े सवाल करा रहा हूँ, ये आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। पहला सवाल है चाइना वाला चैप्टर है, व्हाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, और हाउ डज चाइना रिलाई ऑन रिसोर्सेज, और ये आपके पास आता है व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज वर्कर, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम और ये बार बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये व्हाट इज़ इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी नहीं यहाँ से याद करना है, आप अपनी ग्रह से भी याद कर सकते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर द मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल टू द चाइनीज वर्कर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, ये भी आप लोगों ने करना है। नौवा चैप्टर है, नौवे चैप्टर से अगर तो आप बस एट चैप्टर भी तैयार कर ले तो भी पेपर आपको हो जाता है, ये सिर्फ एक सिलेक्टिव आपको बताया जाए। नौवे चैप्टर में एक ही सवाल है, व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे, क्या वजह है इसकी बस। और यहाँ से आपका ये सवाल कभी कभी आ जाता है कि व्हाट वाज द, नहीं ये आप रहने कि यहाँ से सिर्फ आपने दूसरा करना है। ठीक है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ आएगी ना आपको। व्हाट डू वी फाइंड ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिनी, फेमिनी कहते हैं क्या थे कोई रिकॉर्ड बताने आप, व्हेन डिड द फर्स्ट फेमिनी ब्रेकआउट, कहाँ पहले शुरू हुआ। ठीक है, बड़ा सिंपल है, रियली सिंपल, आपको पता है कहाँ पे हुआ था, मिसर के में हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम के दौर में। ठीक है, ये भी नौवा भी हो गया, दसवें से इतने कोई सवाल आते नहीं है, और इसलिए बस नौ चैप्टर के मैंने फोटो लगा दिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको लगाया इंशाल्लाह आप इसमें से याद के पेपर आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो ये गुजरावाला बोर्ड का है, मैंने आपको बताया था कि गुजरावाला बोर्ड और लाहौर बोर्ड सेम होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ चंद सवाल आ जाते हैं जो उसमें आते हैं उसमें नहीं आते, तो आपको घबराना परेशान ईजी होकर तैयारी करनी है। और एक और काम ये करना है, अगर आपके दोस्त वगैरह भी उनके साथ भी वीडियो शेयर करें, ताकि हो सकता है कि उनका भी भला हो जाए, वो भी आपके इन चीज़ों की वजह से वही पास हो जाए, कि जो चीज़ आपको अच्छी समझ आए वो आप दूसरों पर भेज, तो ये सदका जारी होता है। तो रमज़ान के महीने में गर्मी सख्त है, लेकिन क्या करना है, आपने ईजी की तैयारी करनी है, परेशान नहीं होना, और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बाद में गुजारना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।